वो की हो गया जनाब, उस एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ एम्बुलेंस को बुलाओ, 1992 का कॉल। बेगम, बेगम जी, मैं साह ले लूँ। हाँ ले लिया, साह ले लिया। साड़ी लव मैरिज हुई कि या अरेंज मैरिज हुई? नहीं है, तुसी यब विच किस चीज़ का पाया? हाथ से तुसी की पकड़े आया? तुसी मतलब किचन में कुछ कर रहे से जरा लाया जे? नहीं नहीं नहीं, ये चमचा जिवें औरतां दे जेवर होते ने ना, उन्हां दी पहचान, ये मेरी पहचान। मैं कला मुरीद नहीं हाँ, वो मेरे मुर्शद ने। अच्छा हाँ जी, वो मेरे मुर्शद मैनू कहते ने उठ मैं उठ पैना। oh, no. मेरे मुर्शद कहते ने सो मैं सो जाना। मेरे मुर्शद कहते रोटी का टाइम हो गया, रोटी पका, मैं रोटी पकाना। जी आया नू पंजाबियां से, जेड़े भी पंजाबी लेंदे पंजाब चलते पंजाब जा, दुनिया के जेड़े भी कोने जो पंजाबी फसते ने, उन्होंने सारे से असं लैके हाजिर होए हैं पंजाबी कॉमेडी पॉडकास्ट। साढ़े नाल जरा करैक्टर मौजूद है, हर घर मौजूद होंगे, लेकिन दस्ता कोई कोई है। यह दुनिया का वाइब तो मुनफरद करैक्टर है, जरा साडिया रिक्वेस्टा तो बावजूद जरा बड़ी मुश्किल न मन के असं उन्होंने पॉडकास्ट लैके आए हैं, ताकि उनके तजर्बों तो असं बहुत कुछ सीख सके। साढ़े नाल मौजूद है जनाब रन मुरीद साहब। जी आया नू जनाब। जनाब बड़ी मेहरबानी तुहाडी कि तुसी मैनू बुलाया, ते ए रुकना जरा। बेगम जी, ए मेरे को सवाल पूछ रहे ने ते जवाब देवां करां शुरू? हाँ बिस्मिल्ला। नहीं ठीक है, मैं बस शुरू कर रहा, ठीक है। ए मेहरबानी जरा दसदे रहना कि सवाल तुहाडे को पुछदा रहांगा ना, उंदे जवाब ही हैं। चलो ठीक है, जी जी करो शुरू। जी रन मुरीद साहब, तुहानू रन मुरीद कहंदे ने, तुसी रन मुरीद हो, की मतलब तुहाडा? तुसी मतलब एडा ही बुड़ी ते थल्ले लगे होए हो, की मतलब तुहाडा कि रन मुरीद? की तुसी की लफ्ज बोल रहे जे? ए रन मुरीदी नहीं हुंदी, ए अदब हुंदा है। मुहब्बत हुंदी है, एहतराम हुंदा है। तुसी नहीं समझ सकते चीज़ां नू, तां तुसी रन मुरीदा बेगम दा पिट्ठू ए जे गंदे गंदे लफ्ज याद कीते ने। इहनू कहंदे ने मुहब्बत, प्यार, ते मेरे वास्ते कोई गाल नहीं। जे हाथ से तुसी की पकड़िया होया? तुसी मतलब किचन में कुछ कर रहे से जरा लाया जे? नहीं नहीं नहीं, ये चमचा जिवें औरतां दे जेवर होते ने ना, उन्हां दी पहचान, ये मेरी पहचान है। वाह वाह, यकीन करो मतलब कि पहचान तो है। तुहाडी लव मैरिज हुई कि या अरेंज मैरिज हुई? नहीं है, तुसी यब विच किस चीज़ का पाया? मेरे ना जुबान फिसल गई, मैं पूछ रही लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है ताड़ी? नहीं नहीं, मुहब्बत सच्चिया सी। अच्छा, ता ही तो बेगम मिली है। की मुश्किलात तुसी वेखियां ने? मैं जी बड़िया मुश्किलात वेखियां ने। अच्छा। क्योंकि जी मेरी जी बेगम है ना, वो मेरे तो 20 साल वड्डी है। ओए होए, की मतलब? अच्छा अफसोस नहीं करना? नहीं अफसोस की चीज़ का, ये तुसी कोई बिच मजाक पाण दे हो, तुसी उनू उनू नेगेटिव लेके जान दे हो कि 20 साल वड्डी होना की गुनाह है कोई? नहीं नहीं बिल्कुल गुनाह नहीं, गुस्सा ना करो, तुहाडी बॉडी तुसी जानो। असीं तां वैसे मैं समझे शायद कोई गल अफसोस वाली है। अफसोस? अफसोस की चीज़ का जी? उमरां मायने नहीं रखदियां मुहब्बत च, तुहानू नहीं पता वड्डी उमर दी जिहड़ी बेगम हुंदी है ना, उन्दे उन्दे की फायदे ने? की दसो फायदे लोगा? उन्दे फायदे ने कि तुहानू मां दी ममता दे नाल नाल बेगम दा प्यार मिलदा है। तुहाडे कोल वड्डी उमर दी औरत नहीं ना? मैं तो औरत वैसी बन, तुसी दस रहे सी। अच्छा एक फायदा हो गया मां दी ममता दा। हां जी, वो कहंदे जहां ममता वहां डालडा, इत्थे जहां ममता वहां बेगम। ये कंबीनेशन जो है ना, एडा सोहना कंबीनेशन है ना कि मैं एडा चिट्टा गोरा क्यों हाँ? क्यों? मेरी माँ ने मेरा मुंह नहीं धोता। हाँ। मेरी माँ क्रीमा नहीं ला दी। हाँ। मेरी बेगम ला दी है। अच्छा। मेरी बेगम उठ के जो मैं फूका मार दी है ना, मैं खिल पैना। एक मिनट, फूका मार दी है ना मतलब वो गल्ला सच्चियां हो गया कि बुढ़ी जेरी है वो फूके मार मार के बंदे नु आरे पल्लो नाल बन लैंदी? ते सही गल है, बनना चाहिए। मैं बनी जा आ बेगम जादी, मैं रिड़दा जाना। आ वेखो तो सही, पानी है ना, तुसी आम पानी पीते जे, मैं तवीता ना पीना। जन्नत हर रोड मेनू मेरी बेगम का एडा खूबसूरत चेहरा नजर आता है। मैं कहना या अल्लाह मेनू मारी ते मेरी बेगम ना मारी ते मेनू 70 रोड़ा की जगह ना मेरी बेगम 70 ना खूबसूरत चेहरियां विच दई। एक बार पी के देखो तुहानू नजर। नहीं नहीं, तवीज़ां वाला पानी कमाल नहीं है, देख लो जी तवीज़ां वाला पानी बेगमां पवांदियां ने। इंज इंज नहीं मरीद बंदे रन मरीद। हां जी, ए
ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ 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 ਕੱਲਾ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਧੋਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿੰਨੇ ਧੋਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਇਹ ਰਨ ਮੁਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਕਰੋ ਇਹ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਮੁਰੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਐ ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਗਮ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕ ਯਾਰ ਸਬਰ ਕਰ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੱਪਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਲਵ ਯੂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਬਈ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋ ਲੈ ਨੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਬੇਗਮ ਦਾ ਅਜਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰੋਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਰਨ ਮਰ ਜਾਏ ਬੇਗਮ ਮਰ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੇਗਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਗਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕਦਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਬੇਗਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕਦਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਮਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕੁ ਚਿੱਲੇ ਚੁੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਚਿੱਲੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਰਾਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਚਮਚਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਸਟਿਚ ਕਿੰਦੇ ਚੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਲੈਟਰੀਨ ਧੋ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਧੋਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਟਰੀਨ ਧੋਣ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਲਨ ਪਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਿਰਚ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਕਾਉਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨੌਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੋ ਇਹ ਬੇਗਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਵਣ ਦੇਵਾਂ ਲੰਗੜੀ ਹੈ ਲੰਗੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਬਈ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਉਹ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਥੱਲੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਥੁੱਕ ਸੱਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਹ ਜਰਾ ਨਾ ਦੂਰੂ ਥੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਆ ਕਰੋ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸਬਰ ਜੀ ਜੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਗਮ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੇਗਮ ਮੈਂ 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 ਧੋ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਧੋ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਲੈਟਰੀਨ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦੋ ਟੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਲ ਦੋ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕ ਤਾਂ ਜਾ ਯਾਰ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਬਸ ਹੈ ਬਸ ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਬੋਲ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਏ ਲੈ ਬੇਗਮ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਿਲਿਆ ਆ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ
मैं फुल दसिया ना तो इन्हें मतलब है कि नाजुक भी दसिया है तुहाडे कन्नां विच ना कोई हाँ शायद दित्ती हो कढो अच्छा 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 हाँ ते नाजुक तमीज दे फुल दायरे विच जरा ना रह के जी करो। जी बिल्कुल तमीज मैनू भावे कुत्ता कह लो कंजर कह लो बगैरत कह लो जी। मैं बेगम तो मेरी नू मैं कहता पिया मैं इत चीर फाड़ के लंघ जाऊंगा। मैं थोड़ी इज्जत रखी मैं जी थोड़े कोल आया मैं हाजिर हाँ जनाब, कुत्ता नहीं कह सकता मैं तानू, कह लो मैं कोई नहीं। मसला नहीं। अच्छा दस रहे थे तुसी गाना गुना भी। हाँ मैं गाना वो एक मेरा बड़ा पुराना बड़ा मशहूर गाना हाँ है जी ते क्योंकि मेरी बेगम नु पंजाबी लैंग्वेज ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ जी वो कहती है ना बड़े हरामदे होते हैं जो पंजाबी बोलते हैं बड़े बड़े पेंडे ते वो। मैं उन्होंने ना उर्दू उर्दू दिया लोरियाँ उर्दू के चंगे गाने सुनाना जी जी जिमें उनका फेवरेट गाना है मेरी बेगम का के गम है या खुशी है तू मेरी बेगम है तू मेरी जिंदगी है तू। हाय वाह वाह कमाल एंड विच जे मंत्रा पाया ना बेगम वाला ये इन्हें गाने दी जान ही बताती है वो सर। मैं तुहाडी जान निकल जाए ना निकले मतलब बेहतरीन तुसी गा रहे हो। ते वैसे एडा भी बंदे नूं रन मुरीद नहीं होना चाहिए, एडा भी थले नहीं लगना। तुसी तां नक्क वधा दित्ती मर्दां दी। केरे मर्द ये मर्द खिलाते ने जेरी औरत दी एक आवाज ते भजे भजे नहीं आते जेरी ओ औरत ते तशद्दुद करे हैवान ने ये मर्द नहीं ने अच्छा ना तुसी मर्द हो जेरी आज ये सवाल कर दियो। अच्छा तुसी किते खलीलुर रहमान कमर दा कोई बयान सुन के तो नहीं आए। नहीं मेरी गल सुनो तुसी, मतलब पैर भी धोंदे हो और मैं मैं पैर लै मैं पैर धोना मैं हाथ धोना मैं उनके बाल धोना चमेली का तेल लाना मैं सुरमा पाना मैं उनकी सुरखी लाना तो सारे काम तुसी ही करते हो। मैं देखो मैं ही करांगा मेरा फर्ज है। अच्छा जी मैं रन हाँ हाँ ठीक है मैं आया ओके आया मैं आया। जी, कोई एमरजेंसी है जी? ओ जी मेरी बेगम ने ना बेड तो थल्ले लेना है तो मैं अच्छा जुत्ती पवानी है ना एवं नहीं ना फिर मैं एवं कमाल नहीं निकलता। हुई इकलौती। अच्छा अपनी बेगम ने तुसी इन्नी ज्यादा मोहब्बत च इंतहा हाँ ते पहुंच गए। इस बार हाँ जी बंदे दी मौत वाकई हो गई है लेकिन वाडी नहीं हाले तक कोई बड़ी वड्डी खुशकिस्मती वाली गल है कि मतलब इस तो ज्यादा मोहब्बत नहीं तुसी कर सकते। ते तुसी दूजे मर्दां नूं की कहना चाहोगे, गा के कुछ दसो बेगम। मैं ना दूजे मर्दां वास्ते ना सिर्फ यही कहना चाहना कि अगर तुसी मर्द कहलाना चाहते हो ना तो तुहानू चाहिदा है कि तुसी ना लम्मे पै जाओ थले। जदों तक तुसी आदि बेगम दे लम्मे थले नहीं पोगे ना तुहानू जन्नत नहीं लभनी। वो तुसी सुनिया होना ना कि माँ दे पैरां थले जन्नत हाँ है। जी नहीं गलत सुनिया खुदा तुसी खुदा दा खौफ आया मैं करो। खुदा दा खौफ तू कह रहे गलत तुसी गलत बयानियां करते जे गलत किस्म दे तुसी किसे उड़ा दे जे अच्छा अच्छा चलो बेगम दे पैरां थले जन्नत होती है। अच्छा तुहाडी हाँ बेगम ने पहला थले जन्नत दी। जन्नत है मैं रोज वेना दरवाजा खोल दियो जे आदे पैर भादी मैं रोज रोशनियां वेना मैं चमका वेना मैं दुध दिया नहरा वेना तो कदी आओ तो वहां नहीं मैं जानना में जाना चाहना, मेरी ख्वाहिश है। अच्छा मैं थोड़े को पूछना चाहना कि वो तुसी गाना भी गा रहे सी ठंडिया छावां ते मैं बड़ा हैरान होया। गाना तो माँ ते बनया होया ते तुसी किवें ठंडिया छावां सी? ले ओ गुरदास मान दा बड़ा चंगा गाना जी जी वा सानू भी के सुनाओ। मामा ठंडिया छावा हाँ है लो है। माँ दी तारीफ आन लगी। जी जय अच्छा जी हाँ सुनाना मैं बेगमा मिठड़े मेवे ओह नो ए रब सबनू देवे वाह बेगमा मिठड़े मेवे ए रब हर किसे नू देवे ओ शाना उच्चियां तेरियां ओ मामा नहीं ओ बेगमा ठंडिया छावा ओ वाह बेगमा ठंडिया वाह छावा। वाह। तो की हो गया जनाब दा? उस एम्बुलेंस नु बुलाओ। हाँ एम्बुलेंस नु बुलाओ, डबल नाइन डबल टू तक आ। बेगम बेगम जी मैं साह ले लवा। हाँ ले लिया साह ले लिया। वो तुसी बेगम दे कोलो साह भी पुछ के लै रहे हो? मेरे साथ चल दी मेरी बेगम दी वजह ना पेने तुसी बेगम कोलो साह भी पुछ के लैंदे हो? भाई जान मैं तो गैस भी बेगम तू बगैर पूछे नहीं छड़दा। जी ठीक हो गया जी। ऐसी आज का साडा पॉडकास्ट दर्जी दसना है गया। कैसे लगे थानू रन मुरीद साहब? ठीक है और कमेंट सेशन में लाजमी दसा जे साड़ी वीडियो नू ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो। अपने मेजबान जहन हासिन इजाजत दियो। पंजाबी पॉडकास्ट वाले लिए दोबारा अगले करैक्टर नाल हाजिर होवांगे। अल्लाह हाफिज़।